बिल्कुल साफ तौर पर मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। 1090 से ये तिरंगा यात्रा जो शुरू हुई थी, उस तिरंगा यात्रा में एमएलसी रामचंद्र प्रधान, क्योंकि इन्हीं की अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा जो थी वो शुरू हुई थी। और रामचंद्र प्रधान इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक्सक्लूसिव, जनता का संबोधन करते हुए, जनता से मिलते हुए, और पूरे रास्ते पर जो लोग खड़े हुए हैं, जो उनसे मिलना चाह रहे थे, उनका अभिनंदन करते हुए और इसे तिरंगा यात्रा को सफल करने के लिए। देखिए साफ तौर पर तस्वीरों में रामचंद्र प्रधान, क्योंकि राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे से ये तिरंगा यात्रा जो थी वो शुरू की गई थी। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, रामचंद्र प्रधान विधान परिषद के सदस्य, इनकी तरफ से, इनकी अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा जो थी वो शुरू की गई थी। और अब इस तिरंगा यात्रा को धीरे धीरे उन्नाव तक पहुंचाने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। रामचंद्र प्रधान जो कि विधान परिषद के सदस्य हैं, वो आपके सामने इस ओपन जीप पर खड़े हैं, उनके साथ बीजेपी के और सारे जो कुछ नेता कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं, अलग अलग जिलों से आए हुए लोग भी मौजूद हैं, अलग अलग जिलों से जो नेता आए हुए हैं वो भी मौजूद हैं। और साफ तौर पर इस तिरंगा यात्रा को सफल कैसे बनाना है, इस तिरंगा यात्रा को बेहतर कैसे करना है, उसके लिए पहले से ही संकल्प लिया गया था। रामचंद्र प्रधान आप देख सकते हैं बिल्कुल आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त पीछे की तरफ इस ओपन जीप में जनता का अभिवादन करते हुए, जो लोग रास्ते में खड़े हैं उन लोगों को हाथ हिला करके उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए उनसे मिलने की भी कोशिश लगातार जारी है। और लगातार जो लोग रास्तों में खड़े हैं उनके साथ मिल करके, उनको भी अपने साथ लेकर के इस तिरंगा यात्रा को और भी सफल करने का जो प्रयास है, उस प्रयास को और बेहतर करने की जो कोशिश है वो लगातार रामचंद्र प्रधान की जारी है। विधान परिषद के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, तिरंगा यात्रा 75 वर्ष आजादी के, और ये आजादी के जो 75 वर्ष हैं ये हम सबके लिए बहुत ही अहम है, हम सबके लिए बहुत ही गौरवान्वित महसूस कराने वाला पल है। और उसी पल के आज हम सब आकांक्षी हो रहे हैं, क्योंकि तिरंगा यात्रा लखनऊ से शुरू हुई थी, उन्नाव तक जाएगी, हम इस तिरंगा यात्रा में शामिल हैं ताकि हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन तक, आपके घरों तक, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन दर्शकों तक इस तिरंगा यात्रा का जो गर्व है, इस तिरंगा यात्रा का जो प्राउड मूवमेंट है वो आपको हम पहुंचा सके, आपको दिखा सके। और बिल्कुल आप देखिए कि पूरी रोड पर सिर्फ और सिर्फ जो तिरंगे हैं वो ही दिख रहे हैं, जो नेता कार्यकर्ता युवा हैं वो दिख रहे हैं, और लगातार इस तिरंगा यात्रा को सफल करने की कोशिश, इस तिरंगा यात्रा को बेहतर करने की कोशिश, इस तिरंगा यात्रा को शानदार बनाने की जो कोशिश है वो लगातार जारी। अब देखिए बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर कुछ जो लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, जो वो मिले हुए थे, रुके हुए थे, और अब देखिए साफ तौर पर उनसे भी उनकी जो मुलाकात है, रामचंद्र प्रधान जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनसे उनकी मुलाकात होती हुई, फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है उनका। और इसी तरह से ये जो स्वागत का सिलसिला है ये अलग अलग जगहों से इसी तरह से चलता हुआ आया है, पूरे रास्ते से अब तक जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। और नवाबगंज थोड़ी दूर पर, नवाबगंज टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद उन्नाव के लिए ये जो यात्रा है, तिरंगा यात्रा, ये आगे बढ़ जाएगी। और पूरी कोशिश रही है इस तिरंगा यात्रा को बेहतर सफल करने की। देखिए साफ तौर पर एक एक कार्यकर्ता से मिलते हुए रामचंद्र प्रधान, फूलमाला से उनका स्वागत किया गया, लगातार सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, लगातार सबसे मिलते हुए, और इस तिरंगा यात्रा के बारे में बताते हुए कि तिरंगा यात्रा कितनी शानदार, कितनी भव्य, आज़ादी के 75 वर्ष हमारे आपके लिए कितने अहम, आज़ादी के 75 वर्ष किस तरह से हमें और आपको मनाना है, अमृत महोत्सव मनाना है, आज़ादी के 75 वर्ष किस तरह से हमें और आपको इसको सेलिब्रेट करना है, इस मोमेंट को जीना है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से इस पल को हम और आप देख रहे हैं, आज़ादी के 75 वर्ष, अमृत महोत्सव, अमृत वर्ष, 75 साल पूरे हुए हैं हमारी और आपकी आज़ादी के, हमारी देश की आज़ादी के, भारतवर्ष की आज़ादी के, और उसी आज़ादी को जीने की, उसी आज़ादी को मनाने की जो कोशिश है, उसी आज़ादी को जो सेलिब्रेट करने का प्रयास है अपने अपने तरीकों से किया जा रहा है। सरकार ने भी कहा था कि हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, हर घर पे तिरंगा, हर छत पर तिरंगा लगाने का जो प्रयास है सरकार की तरफ से वो किया गया था,
और उसी को ही देखते हुए ये तिरंगा यात्रा जो है वो अलग अलग जगहों पर की गई थी। और उसी को देखते हुए आप देखिए कि ये राजधानी लखनऊ से विधान परिषद के जो सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं रामचंद्र प्रधान, उनकी ये तिरंगा यात्रा जो है वो आज राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे से शुरू हुई थी। अब धीरे धीरे ये उन्नाव की तरफ बढ़ रही है और पूरी कोशिश पूरा प्रयास है, क्योंकि जगह जगह पर जो युवा हैं, जगह जगह पर जो कार्यकर्ता हैं, वो जुड़ना चाह रहे हैं रामचंद्र प्रधान से, वो मिलना चाह रहे हैं और इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर खुद को सुशोभित महसूस करवाना चाह रहे हैं, गौरवान्वित महसूस करना चाह रहे हैं, इस पल को जीना चाह रहे हैं, इस पल को कैसे बेहतरीन करना है उसको बनाने की कोशिश करी जा रही है। पूरे रास्ते भर नेताओं, कार्यकर्ताओं, युवाओं का जो साथ है, जो सहयोग है, वो लगातार मिल रहा है इस तिरंगा यात्रा को। और इस तिरंगा यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की आजादी के जो 75 वर्ष है, आजादी का जो ये अमृत महोत्सव है, ये कितना अहम है, कितना जरूरी है, इसके मायनों को समझना, इसके मायनों को जानना, इसकी अहमियत को समझना, इसकी अहमियत को जानना, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 वर्ष आज़ादी का मूल्यवान समय, 75 वर्ष जो पूरे हुए हैं, इस गर्व को कैसे जीना है, इस गर्व को कैसे मनाना है, उसी को आज इस तिरंगा यात्रा के जरिए मनाने की कोशिश, इस तिरंगा यात्रा के जरिए सेलिब्रेट करने का प्रयास जो है वो इस तिरंगा यात्रा के जरिए विधान परिषद के सदस्य रामचंद्र प्रधान, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता, प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए युवा, इन सब की तरफ से मनाया जा रहा है रथ यात्रा, तिरंगा यात्रा। आप देखिए सामने ये टोल प्लाजा पहुंचती हुई, और टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद अब ये उन्नाव की तरफ जो है वो प्रस्थान करेगी। बड़े पैमाने पर जो बाइक हैं, बाइक से आए हुए लोग हैं, बाइक से आए हुए युवा हैं, वो शामिल हैं। बड़े पैमाने पर जो फोर व्हीलर्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। लेकिन आम बात होती है ये दूसरी रैलियों में आपने देखा होगा, चुनावी रैलियों में, चुनावी यात्राओं में आपने देखा होगा, लेकिन इस यात्रा की खासियत ये है, ये कोई चुनावी रैली नहीं है, ये हमारे और आपके देश की अहमियत की रैली है, 75 वर्ष की रैली है। और इस रैली में, इस यात्रा में तिरंगे हैं, हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज हैं, हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताने की कोशिश, हमारी आज़ादी के बारे में बताने की कोशिश, आज़ादी के 75 वर्ष के बारे में बताने की कोशिश। अब देखिए यहाँ पर भी टोल प्लाजा के पहले भी कुछ जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो रुके हुए हैं, वो लगातार रामचंद्र प्रधान से मुलाकात उनकी होती हुई, सबका वंदन अभिनंदन करते हुए रामचंद्र प्रधान फूल माला से उनका स्वागत किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस पल को कैसे बेहतर करना है, इस पल को कैसे शानदार करना है, उसको बनाने का प्रयास, उसको बनाने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। तो आप देखिए बिल्कुल साफ तस्वीरों में इस वक्त रामचंद्र प्रधान, विधान परिषद के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सीनियर नेता, वो इस रथ यात्रा के जरिए इस कार्यक्रम को सफल करने की जो उनकी कोशिश थी, इस कार्यक्रम को मनाने की जो उनकी कोशिश थी वो लगातार जारी है, लगातार जो प्रयास है उनका वो चल रहा है। और इस रथ यात्रा, देखिए यहाँ टोल प्लाजा क्रॉस हम कर चुके हैं, टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद एक बड़े पैमाने पर युवाओं की भीड़ जो है वो यहाँ पर मौजूद है अपने नेता से मिलने के लिए, इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए, इस तिरंगा यात्रा में अपने नेता का अभिनंदन करने के लिए। और अब देखिए बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में जो युवा हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो अपने नेता से मिलते हुए इस तिरंगा यात्रा में उनका स्वागत करते हुए, उनसे मिलने की कोशिश करते हुए, फूल माला से उनका स्वागत करने का प्रयास करते हुए,
इस तिरंगा यात्रा के मायने समझते हुए, इस तिरंगा यात्रा के बारे में बताने और समझने का प्रयास करते हुए, आजादी के अमृत महोत्सव की अहमियत बताने की कोशिश करते हुए, ये तिरंगा यात्रा आज राजधानी लखनऊ से शुरू हुई। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 किलोमीटर की ये तिरंगा यात्रा अब धीरे धीरे उन्नाव की तरफ बढ़ती हुई, टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद बड़े पैमाने पर नेता कार्यकर्ता इस टोल प्लाजा पे मौजूद, नवाबगंज टोल प्लाजा। और अब यहां से अजगैन के लिए और अजगैन के बाद उन्नाव की तरफ ये तिरंगा यात्रा जो है वो बढ़ेगी, वो प्रस्थान। ऐसा करो, बिल्कुल सामने आपकी तस्वीरों पर इस वक्त रामचंद्र प्रधान, विधान परिषद के सदस्य, चहेते उम्मीदवारों में से भारतीय जनता पार्टी के ये थे। विधान परिषद के उम्मीदवारों में बड़ी संख्या में वोटर्स ने इनको पसंद किया, ये जीते और अपनी लोकप्रियता को एक बार फिर से ये सबके सामने रखने और बताने की कोशिश करते हुए इस तिरंगा यात्रा के जरिए, क्योंकि जिस तरह से इस तिरंगा यात्रा के जरिए कार्यकर्ता नेता लोग उनसे मिल रहे हैं पूरे रास्ते, ये बहुत अहम है। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ तस्वीरों में रामचंद्र प्रधान इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए जो लोग, जो नेता, जो कार्यकर्ता आए हुए हैं वो सब इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं और सब इस तिरंगा यात्रा को सफल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब इस तिरंगा यात्रा को शानदार और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार इस तिरंगा यात्रा को कैसे और कैसे गौरवान्वित किया जाए, इस 75 वर्ष को कैसे मनाना है, ये 75 वर्ष हमारे और आपके लिए कितने अहमियत भरे थे, ये 75 वर्ष किस तरह से हमें मिले हैं, ये 75 वर्ष कितनी बलिदानों के बाद हमने जीते हैं और इन 75 वर्षों में हमने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, ये सब जानने समझने का प्रयास जो है वो इस तिरंगा यात्रा के जरिए करने की जो कोशिश है, इस तिरंगा यात्रा के जरिए बताने समझाने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। लगातार उन्नाव की तरफ अब ये तिरंगा यात्रा रामचंद्र प्रधान की, विधान परिषद के सदस्य, अपनी इस तिरंगा यात्रा को लेकर के निकलते हुए बढ़ते हुए, और देखिए बड़े पैमाने पर जो नेता कार्यकर्ता हैं, जो युवा हैं, वो इस यात्रा में शामिल। और एक तस्वीर और भी है, तस्वीर ये है कि सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों का जो काफिला है, गाड़ियों का जो जोश है लोगों का, वो देखने को मिल रहा है। दोनों ही तरफ इस तिरंगा यात्रा से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करवाने के लिए इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए लोग दोनों तरफ से गाड़ियों के काफिले के साथ निकलते हुए आते हुए इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए, तिरंगा यात्रा में चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पूरी तरह से कोशिश, पूरी तरह से प्रयास था इस तिरंगा यात्रा को सफल करने का, ताकि लोगों को अहमियत पता चले हमारे राष्ट्रीय ध्वज की, आज़ादी के 75 वर्ष की, आज़ादी के 75 वर्ष के अहमियत की, और इस तिरंगा यात्रा के ज़रिए कहीं ना कहीं उस अहमियत को बताने समझाने, प्रयास लोगों के घरों तक तिरंगा पहुंचाने का प्रयास, हर घर की छत पर तिरंगा पहुंचाने का जो प्रयास, वो इस तिरंगा यात्रा के ज़रिए करने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है। उन्नाव की तरफ धीरे धीरे लखनऊ से होते हुए तिरंगा यात्रा जो है अब ये उन्नाव की तरफ पहुंच रही है, उन्नाव की तरफ चल रही है। और अब देखिए पूरे रास्ते भर रामचंद्र प्रधान खुद ओपन जीप में मौजूद हैं,
पूरे रास्ते पर इस ओपन जीप में रामचंद्र प्रधान खुद मौजूद हैं, खुद इस तिरंगा यात्रा में वो शामिल हो रहे हैं, उन्हीं की अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा जो है वो चल रही है। और लगातार उनकी तरफ से प्रयास था कि बड़े पैमाने पर युवाओं को जोड़ करके, बड़े पैमानों पर कार्यकर्ताओं को जोड़ करके, बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ करके इस तिरंगा यात्रा को कैसे सफल किया जाए। और लगातार उस तिरंगा यात्रा को सफल करने का जो प्रयास है वो चल रहा है। रामचंद्र प्रधान देखिए बिल्कुल साफ तौर पर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। रामचंद्र प्रधान इस तिरंगा यात्रा को खुद इसमें वो शामिल हैं, खुद वो इस तिरंगा यात्रा में युवाओं का जोश बढ़ा रहे हैं। वो लगातार बस देखिए साफ तौर पर ये जो काफिला है अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ उन्नाव की तरफ ये काफिला जो है वो अब बढ़ रहा है। लगातार उन्नाव की तरफ अब ये तिरंगा यात्रा जो है वो चल रही है। और पूरा प्रयास रामचंद्र प्रधान, उनके नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का, देश प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए युवाओं का, इस तिरंगा यात्रा को सफल किया जाए। अलग अलग जगहों पर लोग खड़े होकर के अपने नेता से मिलने की कोशिश करते हुए मुलाकात भी होती हुई और इस तिरंगा यात्रा के मायनों को, इस तिरंगा यात्रा की अहमियत को समझने की कोशिश करते हुए वो भी दिखाई दिए हैं। तो पीछे